हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाने चाहिए वो बताऊंगा। जल्दी से फटाफट हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट वन की बात करें हम, तो यूनिट वन के अंदर आपको ये चार क्वेश्चन करके जाने हैं और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है। याद रहे, सेकंड और थर्ड मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। यूनिट वन के अंदर पहला क्वेश्चन आपको करके जाना है डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर यूजफुलनेस। नंबर टू आपको करना है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप। और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इन मोनोपोली मार्केट। दोनों करके जाना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर 20 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे। याद रखिए, सेक्शन वन के अंदर चार क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई भी दो ही अटेंड करने हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए चार यूनिट में से आपको जो पक्के आ रहे यूनिट वही करके जाइए। और सेक्शन टू के अंदर भी MCQ या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पांच उसमें से आपको अटेंड करने होंगे, 10 होंगे टोटल। ये पेपर स्कीम है और पेपर स्कीम बहुत ही सिंपल है। पूरा डिटेल आपको पेपर स्कीम देखना है तो फिर सेमेस्टर वन के अंदर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था पेपर पैटर्न वो देख लीजिए, उसमें भी इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न जो एक्सप्लेन किया था वही यहां पर सेमेस्टर टू में होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन आपको कौन सा करके जाना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बार पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, पर मैंने चार क्वेश्चन जो दिए उसमें सबसे मोस्ट अहम भी है सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए यूनिट टू की बात करें तो यूनिट टू के अंदर आपको ये तीन क्वेश्चन करके जाने हैं और उस तीन के अंदर फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको करके जाना है एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये दो क्वेश्चन तो पक्के कर लीजिए, कई बार शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की जगह पर लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पूछ लेते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मैंने दिया है। मोस्ट प्रोबेबली तो यही दो में से एक क्वेश्चन आता है। अब यूनिट थ्री की बात करें तो उसके अंदर तीन क्वेश्चन, ये तीनों के तीन करने हैं, तीनों मोस्ट IMP है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको व्हाट इज द मीन्ड बाय मोनोपोली, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक दोनों आपको करके जाने हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। और थर्ड, एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से कोई भी दो पक्के है पूछने वाले। यूनिट फोर की बात करें तो यूनिट फोर के अंदर आपको ये चार क्वेश्चन करने हैं और उसमें से जो चौथा क्वेश्चन है उसका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या फिर सेक्शन टू के अंदर कोई क्वेश्चन उसमें से आ सकता है, याद रखें। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो ऊपर वाले तीन में से ही आने के चांसेस रहते हैं। एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, फर्स्ट और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट और थर्ड करके जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट, बार बार पूछते हैं, फर्स्ट और थर्ड में से एक क्वेश्चन आने वाला है वो तो श्योर है, आप लिख लीजिए। अब इतने क्वेश्चन कर लीजिए, इतने IMP कर लीजिए, 50 out of 50 आपका इसमें भी स्कोर हो सकता है, बट आप जितना अच्छे से लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपकी लिखावट अच्छी नहीं होगी, इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं लिखा, मीनिंग अच्छे से नहीं लिखा, तो फिर वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपको इसी तरह से मिल जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।